नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। टारगेट किलिंग आखिर कब तक, ये सवाल देश के कोने कोने से गूंज रहे हैं, लेकिन जवाब मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। जवाब के नाम पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जहां पर अजीत डोभाल, इसके अलावा अमित शाह और बड़े अधिकारी पहुंचे। हाई लेवल मीटिंग चली, कैसे इसको खत्म किया जाए इस पर खूब मंथन हुआ, लेकिन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 18 नागरिकों की हत्या कर दी जाती है, मगर सियासत और सत्ता मौन रहती है। एक शिक्षिका की हत्या कुछ दिन पहले हुई कि उसके बाद एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। 18 दिनों से कश्मीर पंडित धरने पर हैं, यानी कि पूरे 3 हफ्ते हो गए, लेकिन सत्ता 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। इस साल 16 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई है। सवाल ये कि क्या एक बार फिर कश्मीर 90 के दशक के वक्त में लौट रहा है। पंडित पलायन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हो, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट एमएल बिंदु हो, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, या फिर बैंक मैनेजर हो। इस साल 16 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई है और ये इजाफा लगातार बढ़ रहा है। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है, एक बार फिर उन्हें घाटी में निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच प्रशासन ने बड़ा सवाल लेते हुए हिंदू सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर करने का फैसला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फैसला ऐसे नहीं लिया जाएगा। हिंदू कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे कि उनका जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अभी के लिए प्रशासन ने जिला मुख्यालय लाने की तैयारी की है। अनंतनाग, कुलगाम, इसके अलावा बांदीपोरा, तमाम ऐसे जगह पर कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। पलायन की तस्वीरें आ रही हैं, रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रोजाना ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि फिल्म की आपने खूब सराहना की कि फिल्म में सच्चाई दिखाई गई, लेकिन वो सच्चाई आज भी जस की तस बनी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। आज भी वही हो रहा है जो 90 के दशक में हो रहा था। आज भी कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है। इसके अलावा पलायन लगातार बना हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ का वो लाल जो बैंक मैनेजर था, 6 महीने पहले शादी हुई थी, गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव का एक एक व्यक्ति, बच्चा भी रो रहा है कि आखिर क्यों टारगेट किलिंग का शिकार हो गया। क्या अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं हैं? क्या अपने ही देश में अगर हमारी पोस्टिंग कश्मीर में होती है, ऐसे दुर्गम इलाकों में होती है, तो क्या हम सुरक्षित नहीं रह सकते? हमारी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? बात तो बहुत की जा रही है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। कश्मीर में आप ज़मीन खरीद सकते हैं। सर, ज़मीन तो तभी खरीदेंगे ना जब वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। अब माहौल ऐसा रहेगा तो कौन ज़मीन खरीदेगा, कौन सुरक्षित रहेगा? जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो ज़मीन छोड़ छोड़ कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वो 90 का वक्त लौटता हुआ 2022 में, 2021 में दिखाई दिया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे सत्ता से कि 370 हटने के बाद जो गारंटी सरकार की थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमन चैन लौट जाएगा, वो आखिर कहाँ है? इसके अलावा जो विपक्ष है, जो सिर्फ सत्ता से सवाल उठाता है, सत्ता की निंदा करता है, उसने इतने सालों में क्या कुछ किया, ये भी जवाब हम लेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, मेरे बीजेपी नेता हैं देवेंद्र प्रमुख और कांग्रेस से हैं विजय कौशिक साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। सर, टारगेट किलिंग, 90 का दशक, हजारों की मौत, देखिए संख्या कम है लेकिन संख्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 8 सालों का जश्न मनाया जा रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, हम मानते हैं सरकार ने काम अच्छा किया होगा, बहुत सेक्टर्स में अच्छा किया होगा, लेकिन आप ये बताइए कि 370 हटने के बाद से क्या हत्याएं वहां रुक गई हैं? क्या टारगेट किलिंग रुक गई है? और अगर रुक गई है तो फिर ये जो खबरें आ रही हैं, क्या इन्हें झुठला दें? राजस्थान का वो लाल जिसकी पोस्टिंग हुई, 6 महीने पहले शादी हुई है, उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, मैं और आप शायद उस दर्द को समझ भी ना पाए, क्योंकि अपनों का दुख वही जानता है जिसने अपनों को खोया हो। तो सवाल सर आपसे है कि कब तक? हाई लेवल की मीटिंग तो हो गई आज,
मीटिंग के बाद क्या इससे पहले भी मीटिंग हुई है सर? प्रायोग जी, सरकार बिल्कुल इसके प्रति गंभीर है जी, और हाई लेवल की जो मीटिंग हुई है उसके बाद डिसीजन आना भी तय है। कश्मीर के जो हालात हैं वो भारत में ही दुनिया में चर्चा के हालात बने हुए थे, पूरी दुनिया में चर्चा थी इस हालात की, कितनी तरह से कहां कहां कंट्रोल किया गया इसको भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन जो घटना घट रही है वो भी दुखद है, उन पर भी मैं खेद प्रकट करते हुए ये आपको कहना चाहता हूं कि जो स्थिति कश्मीर में अब पैदा की जा रही है, अभी कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो कश्मीर के अमन और चैन को देखना नहीं चाहते। कौन है वो लोग? मुफ्ती महबूबा जैसी या जो वहां की लीडरशिप है, जो वहां गलौनी जैसे जो जेल में चले गए उनके अभी नुमाइंदे बचे हुए हैं, उनका प्रयास है कि कश्मीर शांत ना हो और पाकिस्तान जैसे देश जो है पूरा प्रयास और अपना ताकत लगाए हुए हैं कि कश्मीर की जो है वो शांति ना बने, अशांति वहाँ जरूरी है उन लोगों के सर, लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे पैनिक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि खुद ब खुद लोग पलायन कर ले वहां से, ये स्थिति है? नहीं, ये यही तो जो है यही तो सच्चाई है जिस पर अब चर्चा हो रही है कि उन लोगों का प्रयास ही ये है कि वो बड़े हमले करने में नाकाम हो गए, वो इस तरह के हमले या बमबारी नहीं कर पा रहे जिस तरह की कांग्रेस के टाइम में होते थे, सैनिकों की सर काट देने, बॉर्डर के अंदर आकर हमला कर जाना, वो पाकिस्तानी सैनिक करते थे। अब ये लोग जैसे अब जेल में गए हैं कि एक दो आदमी गए हैं इस तरह से, उम्र कैद की सजा भी हुई आतंकवादियों को, वो फंड जो है वो रुका है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, इसे भी नहीं नकार सकते, इसको भी अंजलि काजोल जी नकारा नहीं जा सकता। उसी की बौखलाहट है, उसी की बौखलाहट जो उम्र कैद हुई है। यासिन मलिक, मैं नाम ले देती हूँ सर, आप नाम लेने में थोड़ा संकोच करें, मैं ले देती हूँ नाम, क्या उसी की बौखलाहट है? बिल्कुल, 100%। अगर है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं थी सर? जब आपको लग रहा था कि हो सकता है तो सुरक्षा व्यवस्था कुछ दिन लगाई गई, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लगाई, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी उस समय में, लेकिन जब हालात ऐसे हैं, जब स्थिति ऐसी है, जब तस्वीर ऐसी है, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका वाजिब है, जायज बनता है कि वहाँ सुरक्षा जो है उसको दोबारा से इसी तरह से, वह देखिए एक चीज देखनी पड़ती है, लोकतंत्र है पूरे देश में, कश्मीर भी भारत का वो अभिन्न अंग है, उन्हीं राज्यों के साथ वही स्थिति पैदा की गई है कि वो राज्यों में आजादी दी जाए हर तरह से, लोकतंत्र सबको मौका दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ना कि वो सुधरने वाले नहीं है, उनको वही चीज चाहिए, वहां भी आपकी डिबेट्स के माध्यम से या इन घटनाओं से लगता हंटर की जरूरत है, वहां सरकार को हंटर तैयार कर फिर से हंटर से काम लेना पड़ेगा, जब वैसे लोग जो है पत्थर के माध्यम से या ले सैनिकों को जो वहां जीने नहीं दे रहे थे वो ठीक हो गए, तो ये कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, निश्चित आपको इसका परिणाम मिल जाए, ठीक है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, विजय कौशिक साहब बने हुए, बहुत देर से सुन रहे हैं सर जो कह रहे थे अभी देवेंद्र प्रमुख साहब, उनकी बातों को बहुत सुन रहे थे, हल्की सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर मैंने देखी सर, पहले तो मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए, और दूसरा ये है कि कश्मीर को लेकर सालों से राग अलापा जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या फिर पड़ोसी मुल्क हो, कश्मीर को आखिर इतना, मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा बढ़ाया क्यों जा रहा है, मतलब कश्मीर है जैसे बाकी हमारे राज्य है वैसे ही कश्मीर है, कश्मीर को इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है, क्यों? कश्मीर में रहने वाले इंसान भी हमारी तरह हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि खूबसूरत वादियों में हम भी जाएं, लेकिन डर लगता है, और ये डर आज का नहीं है सर, ये डर पहले भी था और डर अब भी है, मैं ये नहीं कह रही कि चीजें खत्म हो गई हैं, अब भी हो रही हैं। देखिए अंजलि जी, पहले तो मैं आपको मुस्कुराहट के बारे में बता दूं कि जब भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वहां पर हमले खत्म हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो आपके पास गूगल है, गूगल पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा शासन में वहां पर आतंक की घटनाएं बढ़ी हैं, वहां सैनिक के ऊपर हमले बढ़े हैं, कुल मिलाकर जो स्थिति है अगर हम गूगल के नजरिए से देखें तो भाजपा शासन में बहुत ज्यादा वहां पर खराब हुई है। अच्छा, जहां तक 370 की बात है तो भाजपा का ये एक राजनीतिक निर्णय था
और हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। अगर देश के अंदर अमन चैन कायम होता है धारा 370 के हटने से तो हमें स्वीकार है। हमने उस समय भी केवल इतना कहा था कि इसको लेकर कश्मीर की जनता से पूछा जाना चाहिए था, अगर उनसे पूछकर इस पर निर्णय ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि कश्मीर के लोग भी भारत के नागरिक हैं। अब जहां तक इन आतंकी घटनाओं की बात है सर, कश्मीर के लोगों को तो बरगलाने के लिए यासीन मलिक जैसे लोग बैठे हुए थे ना। देखिए फिर सरकार क्या कर रही है, जो कश्मीर घाटी है, ठीक है बोलिए, सुनिए ना, जो कश्मीर घाटी हो चाहे हरियाणा हो, अगर आतंकी कश्मीर घाटी में घुस रहे हैं तो हरियाणा में भी घुस सकते हैं। तो सवाल यह है कि सरकार की जो एजेंसियां है वो क्या करती है, अगर आप उसको नहीं रोक पा रहे तो आप कहिए ना कि हम विफल हैं बॉर्डर पर कब्जा करने में, लेकिन वो कहेंगे क्यों, क्योंकि केवल राजनीति करनी है। मैं गैर राजनीतिक बात आपसे कर रहा हूँ कि देखिए कश्मीर के अंदर हम कहते हैं कि ये जो आतंकवाद है ये पाकिस्तान प्रायोजित है। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान प्रायोजित है तो जो मोदी जी का दबदबा बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी धाक उन्होंने जमा रखी है और अमेरिका भी उनपे कांपता है, रशिया भी हमारे कंट्रोल में है, जब सारे मुल्क कंट्रोल में है तो ये अदना से पिद्दी से पाकिस्तान कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही उसकी सरकार, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये जो हालात जो हमें दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनकी मिली भगत मुझे दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि जब तक आतंकवादियों को लोकल स्तर पर शह ना हो, उन्हें संरक्षण ना हो, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। तो इसके बारे में मेरा ये मानना है कि ऐसी कौन सी भारत सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की नीतियां हैं जिसके चलते कश्मीर की आवाम आतंकवादियों की मदद कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, मुसलमान खासकर, कि भाई कश्मीरी भाइयों, जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो केवल कश्मीर में ही नहीं बसे हुए, वो भारत सरकार की नौकरियां लेकर कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में। मेरा ख्याल है कि लाखों परिवार कश्मीर के किसी ना किसी कारण से दूसरे प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। अगर वहां पर आप अपने संरक्षण से आतंकवादियों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलाएंगे और खुदा ना खास्ता दूसरे प्रदेशों के लोगों के दिमाग में भी यही बात हो गई कि अभी कश्मीरी मुसलमान उनके यहाँ क्यों रह रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, न कश्मीर के लोगों के लिए न देश के लिए। चलिए मैसेज तो सर, चक्करबाजी में ना रहे सर, मैसेज तो बहुत सही दिया है आपने, लेकिन एक बात कही थी आपने, एक छोटी सी बात थी, मैं उसका एक छोटा सा उत्तर देना चाहूंगी, शायद आपको अच्छा ना लगे। आपने अभी कहा कि पिद्दी सा देश, उस पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है सरकार। सर क्योंकि क्योंकि यासीन मलिक जैसे लोगों की तस्वीरें जो है ना वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के सामने आ जाती हैं, साथ में आ जाती हैं, शायद यही वजह है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कंट्रोल शुरू से होना चाहिए था ना सर। आप गलत कह रही हैं, आप सुनिए, एक मिनट सर, मैं ये कह रही हूँ कि सर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक करिए, 370 हटा दिया, ठीक करिए, 2019 के बाद से चीजें और खराब हो रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि क्या जो जो सालों से होता आ रहा है क्या वो एकदम से ठीक हो जाएगा। मैं सरकार की यहाँ तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि आप ये बताइए कि अगर कुछ नेता ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ भी बयानबाजी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, बयानबाजियों से अगर असर पड़ता तो मोदी जी की बातों से डर कर जो है जो कश्मीरी सर असर पड़ता है सर, जाना चाहिए तो भारत छोड़कर। सुनिए ना, बंदूक का जवाब बंदूक होती है, तोप का जवाब तोप होती है, बयानों से ना कोई स्थिति कंट्रोल में आती है ना कोई भड़कती है। इतना जरूर है कि जो भाजपा जो साजिश कर रही है ओवैसी जैसे एजेंटों के माध्यम से देश का माहौल बिगाड़ रही है। अब ओवैसी बीच में आ गए, नहीं नहीं सुनिए ना, आप देखिएगा कश्मीर के ऊपर ओवैसी जैसे लोग क्या बयान देंगे। निश्चित तौर पर वो लोग वो बयान देंगे जिससे कि हिंदुओं के दिल में खून में उबाल आए। तो ये राजनीति चल रही है। केवल मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है ना भाजपा, जबकि सच्चाई यह है कि 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था उस समय केंद्र में जो सरकार थी उसको भाजपा का समर्थन हासिल था,
भाजपा के जो राज्यपाल थे उनके अंडर वहाँ जम्मू कश्मीर की पूरी कानून व्यवस्था पूरा सिस्टम था। कांग्रेस ने तो वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम किया, आपको शायद याद नहीं है। अच्छा। मनमोहन सिंह जी के समय में उनके लिए कॉलोनी बनाई गई और विस्थापित कश्मीरियों को वहां पर बसाने का काम किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। कांग्रेस ने योजना बनाई, उनको इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन ये जो सरकार है ये केवल ड्रामा करती है, केवल बहकाने का काम करती है। कश्मीर फाइल्स के ऊपर मोदी जी ने कितना ड्रामा किया, भाजपा ने कितना ड्रामा किया, लोगों को फेरी में फिल्में दिखाई, लोगों के गलत क्या था उसमें सर, हकीकत आज के जो जनरेशन है उसे भी हकीकत से सामना करना चाहिए ना, गलत क्या था उसमें सर? मैंने कब कहा, लेकिन जब उसमें राजनीति घुसेड़ दी गई तो हुआ ये कि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम करने से क्या हुआ कि कश्मीर के अंदर जो एक भाईचारा डेवलप हो रहा था उसको खत्म करने में इस कश्मीर फाइल्स ने काफी बड़ा योगदान दिया। ठीक है सर, एक मिनट ठीक है सर, अपने चैनल से रिसर्च करा लेना। ठीक है और आप ये देखो ये घटनाएं अभी से क्यों होने लगी पिछले कुछ माह से। ठीक है देवेंद्र प्रमुख साहब आप सब सुन रहे हैं, कश्मीर फाइल्स की वजह से हिंदू मुसलमान हुआ है ऐसा कौशिक सर कह रहे हैं, और तब से ही टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में भी कई मौतें हुई थी, टारगेट किलिंग हुई थी, टारगेट करके मारा गया था हिंदुओं को, तब तो कश्मीर फाइल्स नहीं आई थी। बड़ी गहन डिबेट है काजोल जी, कुछ बिगड़ तथ्य के बोलना समझदारी का काम नहीं है, जब लोग सुनते हैं तो उनको कुछ चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता साथी को कि उन्होंने एक अच्छी बात कही है। कांग्रेस के नेताओं में तो दम नहीं है, लेकिन प्रवक्ता ने कह दी कि जो कश्मीरी पंडित अदर्श प्रदेशों में काम कर रहे हैं वो सतर्क हो जाएं, जिस तरह वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों के लिए कहा, कश्मीरी अगर वही मुस्लिम टारगेट हो जाएं, बड़ी बात कांग्रेस की तरफ आएंगे, नोट की जाए, ये आपके चैनल पर चलनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं दाद देना चाहता हूँ विजय कौशिक जी को कि उन्होंने अच्छी बात कही है कि वो सतर्क हो जाए कि जिस तरह आप हिंदुओं को वहां ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं कश्मीर में डर फैलाने के लिए, कहीं कश्मीरी काम करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ने वाले या जितने भी यहाँ नौकरी करने वाले हैं उन लोगों को हिंदू लोग टारगेट ना करने लगे, अपने आप कश्मीर समझ जाएगा, कहां सरकार को जरूरत पड़ेगी। ये कह रहे हैं जिसकी भाषा जैसी हो, खाद्य में तो ये बात ठीक बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र फिर भी इसकी मर्यादा का पालन हमको करना है। हमारी सरकार है, काम और अच्छे डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन उंगली उठा रहे हैं साथी तो इनको जवाब भी देना पड़ता है। 370 गलत हटी है देवेंद्र प्रमुख, 370 गलत हटी है क्या वा? प्रमुख साहब एक नाराजगी आपसे भी है, लोग ऐसा कह रहे हैं, कश्मीर के लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बताया जा रहा है कि गोदी मीडिया ने कश्मीर फाइल्स को दिन रात दिखाया, जैसा कि अभी कौशिक साहब भी कह रहे थे, और कश्मीर फाइल्स को दिन रात दिखाकर लोगों में उबाल पैदा किया है, लेकिन आज वो गोदी मीडिया कश्मीरी पंडित शिकायत लगातार कर रहे हैं उस गोदी मीडिया से कि आज गोदी मीडिया उनके प्रदर्शन को कवर तक नहीं कर रहा है, क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन कवर नहीं किया जा रहा है? उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि कश्मीर फाइल्स को जिस तरह से दिखाया गया मेरे हिसाब से, मेरी अपनी जो सोच है, पार्टी क्या कह रही है मुस्तैद घट कर ये बोल रहा हूँ आपको, वो कम दिखाया गया और भी सच्चाई छुपी हुई, इससे भी बदतर हालत हुई है, इससे बदतर कतलेआम मचा था। सच्चाई कतलेआम मचा था, उस कतलेआम की जो तस्वीरें जो वहां की माताएं बहनें थी महिलाएं थी उनके साथ जितना हुआ उसको दबाया गया, काश वो ओपन करके दिखा दिया जाता तो मीडिया की ताकत का पता चल जाता। मैं कह रहा हूँ आपको काम दिखाया गया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ आपको और बड़े तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। कश्मीरी पंडितों के साथ मेरी विशेष सहानुभूति है, जो उनके साथ हुआ वो हिंदू राष्ट्र या भारत जैसे देश में जहां से सनातन की उत्पत्ति है, जहां ब्राह्मण को सम्मान दिया जाता है, वहां पर कम से कम गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये बताइए कि कश्मीरियों को सुरक्षा देने के बजाय सिर्फ राजनीति क्यों हो रही है? हमने जितनी सुरक्षा दी है कर्जोदी से कभी प्रमाण को कभी सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा हमने जितनी सत्यता दी है, काश ये सत्ता 1947 के बाद तैयार हो जाती,
काश वही जो कश्मीर के नाम पर राजनीति करते आ रहे थे, जो गांधीवाद को भी डीएनए को चुरोकर पूरी राजनीति 70 साल तक करते रहे, ब्राह्मणवाद को भी जो है कहीं ना कहीं जिन्होंने आक्षेप किया है, वो अगर लोग ईमानदारी से काम कर देते तो कश्मीर क्या है, एक छोटा सा प्रांत है, बहुत छोटा है, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अगर भारत अपनी ताकत के साथ पाकिस्तान जैसे नंगा देश के सामने, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, जैसे मोदी जी ने दिया था, अरे उसके घर में घुसकर उसने 40 हमारे आदमियों पर हमला किया, हमने 400 का करवा रहे, उसकी औकात बता दी। यही तो बदलाव है, यही तो लोग चाहते थे, यही तो लोग देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज 16 मुद्दों पर, आज आपने 2 महीने 3 महीने का जो कहा, 16 मुद्दों पर चर्चा हुई है, 1600 1600 पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं चाहिए किसी मीडिया की। ये गोदी मोदी मीडिया की बात कर बरगलाने से काम नहीं चलेगा। हम सच्चाई पर बोलने वाले लोग हैं, सच्चाई की बात करते हैं, मीडिया से अलग अपना पक्ष रखना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है सर, अगर ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको थोड़ा सा साइड रखकर एक बार एक आम इंसान की तरह, जैसे हम हैं, एक आम इंसान की तरह सोच कर देखिए, क्या वाकई सब ठीक है, क्या वाकई अमन चैन लौट गया है, क्या वाकई उनकी सुनवाई हो रही है, क्या वाकई उनकी सुरक्षा हो रही है, ये जो मौतें हो रही हैं सर, परिवार के परिवार बिखर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आज तस्वीरें सामने आई थी, कवर किया था उन तस्वीरों को कुछ मीडिया कर्मियों ने, वो तस्वीरें, मासूम सा छोटा सा बच्चा, आपने भी देखी होंगी तस्वीरें, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, छोटा बच्चा, पूरी फैमिली जा रही है, पलायन कर रही है। सर, जिस मिट्टी में वो इंसान, जिस घाटी में वो बच्चा पैदा हुआ है, वहीं से उसे पलायन करना पड़ा। शानदार क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं, मुझको दुख होता है, बिल्कुल सच्चाई है, पार्टी से अलग हटाइए, राजनीति का आम इंसान हूं, भारत का नागरिक हूं, सनातन को पसंद करता हूं, सनातनी। जब कोई अपना जाता है दुख होता है, जब अपने को दुख पड़ता है तो दुख पहुंचता है। लेकिन जो कश्मीर के अब से 60 साल पहले हालात थे, 70 वर्ष पहले, उन्हें देखकर दुख नहीं होता, उससे सुधार हुआ है, इसे आप नकार नहीं सकते। तत्पर बोलने वाला व्यक्ति हूं, डिबेट से अलग हटकर भी बोल जाता हूं, काफी लंबा बोलता हूं, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, भागता कभी नहीं हूं, डटकर सामना करता हूं। मेरी पार्टी की अगर कहीं चूक होती है तो ज्यादा जिद करता नहीं, लेकिन अगर कोई गलत घेरने लगे तो घेरने वाला इंसान भी नहीं है। बिल्कुल इतना सुधार हुआ है, जो 70 वर्ष पहले से आ रहा था वो 8 वर्षों में बदला है। यही परिणाम है 370 हटना, 35 से हटना, ठीक है, वहां के सीमाएं सुरक्षित होना और आतंकवादियों का अंदर ना घुसना, चाहे अंदर की जो कलह चल रही है उसको खत्म करना बड़ी चुनौती, और हाई लेवल की मीटिंग के बाद परिणाम आना भी तय। कब तक, कितना इंतजार हम करें कि कश्मीर में सब अच्छा होगा, सब कुशल मंगल होगा, वहां पर कश्मीरी पंडित भी रहेंगे, वहां पर कश्मीर के मुसलमान भी रहेंगे, आपसी सौहार्द दिखेगा, दिवाली ईद मिलजुल कर मनाई जाएगी। काजल जी, बहुत जल्द स्थिति होगी, कल कश्मीर का मुस्लिम भी सेफ होगा, कश्मीर का ब्राह्मण भी सेफ होगा। हाई लेवल मीटिंग से हम आस रखें कि हाँ कुछ बदलाव होगा, कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। चलिए ठीक है सर, ये आखिरी क्वेश्चन था मेरा आपसे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा देश का है और बहुत बड़ा मुद्दा है। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर में टारगेट किलिंग आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है, सुरक्षा नहीं दी जा रही है? आज हाई लेवल की चर्चा की गई है, उसके बाद जैसे कि अभी देवेंद्र प्रमुख साहब ने कहा कि कुछ बदलाव जरूर होगा, अब देखना होगा कि कश्मीर में अमन, शांति, चैन कब तक लौट आता है, क्योंकि इस साल में करीब करीब 16 लोगों को टारगेट करके मारा गया है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।